देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि आज देश भर में मनाई जा रही है। वहीं इंदौर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नेहरू जी प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। आजादी के बाद देश के प्रथम प्रधानमंत्री स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू की 55वीं पुण्यतिथि पर जहां आज देश भर में उन्हें याद किया जा रहा है, वहीं देश की आर्थिक राजधानी इंदौर में कांग्रेस कार्यकर्ता मधुमिलन चौराहे स्थित जवाहरलाल नेहरू प्रतिमा स्थल पहुंचे, जहां उन्होंने माल्यार्पण करते हुए पुष्पांजलि अर्पित की। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नेहरू जी जिंदाबाद के नारे लगाए। वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि जवाहरलाल नेहरू ने देश के विकास में अद्भुत योगदान दिया। जिसे कभी नहीं बुलाया जा सका। वहीं मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार को गिराने की अटकलों ने उन्होंने सोशल मीडिया की उपज बताया। प्रदेश की कांग्रेस सरकार मजबूत है और अपना कार्यकाल 5 साल पूरा करेगी। आज पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की श्रद्धांजलि अर्पित करी और जो चाचा नेहरू पंडित जी ने जो हमें कार्य बताए और उन्होंने कार्य किए उस पर हमें चलने के आज हमने संकल्प लिया है। आने वाले समय कांग्रेस पार्टी के लिए चुनौतीपूर्ण समय है, हम उसका डट के मुकाबला करेंगे और निश्चित है कि आज मध्य प्रदेश में हमारी सरकार स्थायी सरकार है, 5 साल हमारी कांग्रेस की सरकार चलेगी और हम इस मध्य प्रदेश में एक नई विकास की गाथा लिखेंगे। हम सब कार्यकर्ता मिलकर एक नई विकास की गाथा हम इंदौर शहर में भी लिखेंगे और आने वाले चुनाव हम डट के मुकाबला करके चुनाव जीतेंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि के अवसर पर बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए, जिन्होंने नेहरू जी के आदर्श पर चलने की बात कही। इंदौर से दाऊद कुरैशी की रिपोर्ट।